ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चला, आप कल हमारे साथ जाएंगे ना? जलाल, हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, वो देख, जलाल ने भी क्या कि वो हमारे साथ जाएंगे। नहीं नहीं, वो अब नहीं जा रहे। लेकिन जलाल, आप खुदा के लिए आप दोनों चुप करेंगी? और सलीमा बेगम को पैगाम भेजो कि हम अभी इसी वक्त उनसे मिलना चाहते हैं। आदाब शहंशाह, आपने हमें याद फरमाया। जी सलीमा बेगम, हमने आपको याद किया। हमें आपकी मदद की जरूरत है। हमें बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। हमारी खास बेगम चाहती है कि कल हम महल के बाहर जाकर उनके साथ चौगान से, और हमारी दूसरी खास बेगम चाहती है कि हम महल के अंदर ही रहें, चूंकि हम पर हमला हुआ था। इसलिए हमारी मुनासिब होगा कि हम यही महल के अंदर रहें। मसला तो संजीदा है शहंशाह। बेशक है। देखिए सलीमा बेगम, हम नहीं चाहते कि हमने जो रुकैया बेगम को वादा दिया है उसे तोड़ें, और ना ही हम जोधा बेगम के जज्बात को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। तो आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। रास्ता एक ही है शहंशाह, कि आप महल में ही रहें। लेकिन सलीमा बेगम, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है रुकैया बेगम। शहंशाह, आप महल में ही चौगान खेलिए, इससे दोनों बेगमात की बात भी बनी रहेगी और रुकैया बेगम को किया हुआ आपका वादा भी पूरा हो जाएगा, और जोधा बेगम को भी तसल्ली रहेगी कि आप महफूज हैं। माशाल्लाह, जब भी हमें आपकी मदद की जरूरत होती है आप हमें सबसे उमदा मशवरा दे रही हैं सलीमा बेगम। आपके बगैर हमारा क्या होता। तो रुकैया बेगम, अगर आप हमारे साथ चौगान खेलना चाहती हैं तो कल महल में ही उसकी तैयारी कीजिए। खुश खुश। चोट लगी है? हमें चोट यहाँ नहीं लगी है अमी जान। माफ करती हैं जाविदा, आप गिर गई हैं तो आपको कहीं पे चोट लगी है। घुटना पकड़ कर रो रही है, यानी घुटने को चोट लगी है। अगर वहाँ नहीं लगी तो कहाँ चोट लगी है? यहाँ लगी है। सीने में चोट लगी? दर्द सीने में नहीं है, दिल में है। दिल में? हकीम साहब, आपको कुछ दौरा पड़ रहा है दिल का? अमी जान, दौरा दिल का नहीं, आपके बेटे यानी हमारे शौहर का है। आदम खान का दर्द हो रहा है, कुछ खुलकर बताएंगे आपको क्या क्या हुआ? क्या है? हुआ यूँ कि कल रात हमें उनकी यानी आपके बेटे की बहुत याद आई, और याद करते करते हमारी आंख लग गई, और जैसा हमेशा होता है हमने ख्वाब देखना शुरू कर दिया। ख्वाब में हम और आदम साहब साथ में थे। अल्लाह अम्मी जान, हम क्या लग रहे थे उस लिबास में। किस लिबास में? चौगान के लिबास में। हम और आदम साहब साथ में चौगान खेल रहे थे। कभी गेंद उनकी तरफ, कभी गेंद हमारी तरफ। हम जीतने ही वाले थे कि बिस्तर की बाई ओर से गिर गए अम्मी जान। अब बिस्तर से गिर गई और रो रही, जबकि चोट भी नहीं लगी है। लगी है, हमारे दिल पे लगी है। हम जीतने ही वाले थे कि कंबखत ख्वाब टूट गया और साथ में हमारा दिल भी। अम्मी जान, आप कहाँ जा रही है अम्मी जान? हमें छोड़ के नहीं जा सकती, हम बहुत दर्द में है। जाविदा, वो क्या है कि हम आपसे एक बात कहना भूल गए। आपके इस रात के ख्वाब वाली बात के बाद हमें भी अपना ख्वाब याद आया जो हमने कल रात को देखा। ख्वाब में हम अचानक से कल रात को बहरे हो गए, हमारी सुनने की ताकत खत्म हो गई। इसीलिए आप एक काम कीजिए, आपका ये जो कुछ भी मसला है ना, आप हमें लिख कर भेजिए। लिख के? हाँ, खुदा अभी जान सुनिए तो।
ये क्या कर रहे हैं आप भीग रहे तो आप हमें भी भिगा देना चाहते हैं। अब पानी में खेलना है तो भीगना तो पड़ेगा ना छोटी अम्मी जान। आइए आप भी मेरे साथ खेलिए। नहीं, हम यहाँ पर आपको तैराकी सिखाने आए हैं, आपके साथ खेलने नहीं। भीगने की इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों भला? क्योंकि इस वक्त आपका हुस्न कत्ल करने को तैयार है। पानी में भीगी ये जुल्फें जैसे नागिन बनके किसी को भी डस ले। जल परी लग रही है आप, जिसे हर कोई छूना चाहे। तो आपको रोका किसने? हम आपकी ही तो है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जोधा बेगम को देख रहे हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? हाँ, देख रहे हैं कि जोधा बेगम किस तरह पानी में रहीम के साथ खेल रही है, और जोधा बेगम में हमें आप नजर आ रही हैं। आप ये हमसे कह रहे हैं? हाँ, तो और किसे कहें? कुछ दिनों के बाद हम वालिद बन जाएंगे, फिर जोधा बेगम की जगह आप होंगी और रहीम की जगह हमारी औलाद। तब कितना मजा आएगा, है ना? सलीमा बेगम से कह के आपको डांट खिलवानी होगी। बहुत नटखट होते जा रहे हैं आजकल आप। इसमें शरारत कैसी? अब तैरना सीखना है तो भीगना तो पड़ेगा ना? अच्छा ठीक है, तैरना सीखना है तो भीगना तो पड़ेगा ना, तो ये लो। ऐसे क्या गुस्ताखी हो गई जोधा बेगम, जो आपने हमें इतनी बड़ी सजा दे दी? हम आपको क्यों दंड देंगे भला? ये तो दुर्घटना थी बस। नहीं जोधा बेगम, आपने ये जानबूझकर किया है। देखिए इतना गीला कर दिया आपने। अफसर का लाभ उठाना तो कोई आपसे सीखे। क्या हम इतने शैतान हैं जोधा बेगम? नहीं, चतुर है, चालाक है। आपकी चालाकी की कोई सीमा ही नहीं। अब ऐसा क्या किया? सभी जानते हैं कि आपकी चतुराई तो थी,
जो हमारी और रुकैया बेगम दोनों की बात आपने रख ली, अब इसके पश्चात आप क्या कहें हम आपको? अच्छा वो मधुबन सलीमा बेगम का कमाल था जोधा बेगम, उन्होंने बस हमारी शान बचाई, और अतू में कांत के बीच में हम इस कर रह जाते जोधा बेगम। अच्छा शहंशाह होकर अपने आप को इतना असह्य अनुभव करते हैं आप? जोधा बेगम, बेगम के ताज को कोई नहीं पूछता है, फिर चाहे वो एक शहंशाह हो या फकीर। अच्छा अब हमें आज्ञा दीजिए शहंशाह। लेकिन आप आ रहे हैं ना? कहाँ? आज हम विवाह खेलने वाले वहां से मौजूद होंगे, तो हम चाहते हैं कि आप भी वहां मौजूद हों। हमें वहां जाकर क्या मिलेगा? आपको हमारे एक और दिल देखने को मिलेगा जोधा बेगम। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम अवश्य आएंगे। अगर आप आइए तो हमें बहुत तैयारी करनी होगी, बहुत मेहनत करनी होगी हमें सजने संवरने में। इजाजत चाहते हैं आपसे। सलीमा बेगम, किले के अंदर आज हम चौगान का खेल देखेंगे। हाँ जोधा बेगम, किले के अंदर होते हुए बाहर का माहौल लेना वाकई सुकून देता है। आपको पता है इस तरह के खुले में खेले जाने वाले खेल हमें बहुत पसंद आते हैं, और जैसे जैसे खेल परवान चढ़ेगा इसका मजा और बढ़ता जाएगा। आइए देखिए, आज सुबह ही हमने चौगान का ख्वाब देखा, सच हो गया। यहाँ पर कोई हरकत मत करना, कुछ नहीं, ख्वाब वगैरह सब कुछ भूल जाओ। अगर यहाँ पर कुछ हरकत नहीं है जाविदा, तुमसे बुरा कोई नहीं होगा। चुप, एकदम चुप। प्रणाम शहंशाह। आदाब जोधा बेगम। अच्छा तो आप अपने इस रूप की बात कर रहे थे, सच में आपका स्वरूप बिल्कुल ही अलग लग रहा है। अब सजने संवरने में हम आप बेगमात का मुकाबला तो कर नहीं सकते, बस एक छोटी सी मुहिम थी आपको खुश करने की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी। यदि ऐसा है तो आपका ये प्रयास सफल रहा, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया जोधा बेगम, तुम पर नजर रखिएगा, हमारा मतलब है कि हमारे खेल पर नजर रखिएगा जोधा बेगम, क्योंकि अगली बार हम ये खेल आपके साथ खेलना चाहेंगे। आदाब, जीती रहो। बेहतर होगा आपके लिए अगर आप इसका कायदा इसका तरीका समझ जाएंगे तो। खेल शुरू ही नहीं हुआ, देखिए क्या हम ना रुकैया बेगम की ओर देखने को कह रहे हैं। आपको मालूम है ख्वाब में हमने भी बिल्कुल ऐसा लिबास पहना था। ये ठीक नहीं है रुकैया बेगम, ख्वाब देखा हमने, लिबास आपने चुरा लिया। वैसे ये लिबास आप पे भी खूब पब रहा है। आदाब शहंशाह, तो क्या आप तैयार हैं हमारे हाथों शिकस्त का मजा चखने के लिए? रुकिए बेगम, वो खेल की बात पता चलेगा कि आखिर में धूल कौन चाटता है। हम जो दिल पर ले आए
तो हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। तो चलिए खेल शुरू करें। ईश्वर करे आप खूब आनंद से खेलें। पूछिए, आप ये कैसे कर लेती हैं? समस्या कैसी भी हो आप तुरंत उसका हल निकाल लेती हैं। अब शहंशाह हमारे और रुकैया बेगम के बीच दुविधा में थे, आप आई और समय व्यर्थ के बिना आपने उसका हल निकाल लिया। सच में आप प्रशंसा की पात्र हैं। शुक्रिया ज्योता बेगम, ये सब हमने महरूम खाने खाना बैरम खान साहब से सीखा है। बहुत ही जाबाज और होशियार इंसान थे वो। हालात के मुताबिक झट से फैसला कैसे लेना है ये हमने उनसे ही सीखा है। कहाँ हालात अपने काबू में करना है, कहाँ हालात के हिसाब से खुद को ढालना है, बहुत अच्छे से जानते थे वो। असल में जोधा बेगम, बात यह है कि अगर आप अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी किसी के साथ बिता देते हैं तो उसकी सोच का असर आप पर होने ही लगता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। वैसे जोधा बेगम, हमने शहंशाह की मुश्किल आसान नहीं करी बल्कि अपने लिए रास्ता ढूंढ लिया। वो कैसे? बेगम, बात यह है कि हमने आपको कहा था ना, हमें इस तरह के खेल बहुत पसंद आते हैं। हमारे मशवरा देने से शहंशाह की मुश्किल भी आसान हो गई और हमें दिल बहलाने का मौका भी मिल गया। अब कभी कभी अपनी खुशी के लिए मशवरा देने में कोई हर्ज तो नहीं है ना जोधा बेगम? शहंशाह बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं सरीमा बेगम। एक बात कहें जोधा बेगम? हाँ बिल्कुल कही है ना। हमें लगता है कि अब आपको हरम की जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्या हम उसके योग्य नहीं? हमने ऐसा नहीं कहा जोधा बेगम। जो कुछ आपको करना था वो आप कर चुके हैं। पिछले 3 दिनों में आपने हरम की सबसे बड़ी मुश्किल आसान की है। गुलामी बंद करके बांदियों को आजाद करवाया है आपने। अब बस बचा है तो हरम में बेगमात और कनीजों के झगड़े में अपने आप का खून जलाना है जोधा बेगम। हम समझे नहीं। आप रुकैया बेगम को खेलते हुए देख रही हैं। फतेह पाने की भूख है उनमें और अपने आप को शहंशाह के सामने सबसे बेहतर पेश करने का जुनून भी। अपनी चीज पर हक जताने की लत भी रखती हैं वो जोधा बेगम। हुकुम चलाना और हुकूमत करना उनके खून में रच बस गया है जोधा बेगम। ये हरम और इसकी ओछी सियासत ये आपके लिए नहीं है जोधा बेगम। ये रुकैया बेगम की दुनिया है और उन्हीं को मुबारक हो। क्यों इसके कालिक से अपने हाथ को मैला करती हैं? दही को मत कर मक्खन निकाल चुकी हैं आप। अब बची है तो सिर्फ छाछ, और छाछ को कितना भी मथिए उसमें से कुछ नहीं निकलने वाला।
से जोधा बेगम, शहंशाह को कुछ नहीं हुआ है, सही सलामत है वो। ये भी खेल का एक शगुफा है।